आज का ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं या फिर जो अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाए हैं और उनका बोर्ड एग्जाम है 2022 में फरवरी में, ठीक है। तो आज का ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है, खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है जो टेंशन में रहते हैं कि तैयारी नहीं किए हैं, क्या होगा नहीं होगा। बिल्कुल आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपको अभी यहीं बता दिया जाएगा। देखिए हम टोटल 10 सेट कवर करेंगे हम लोग। ये आपका सेट 1 है। सेट 1 के अंतर्गत जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हिंदी के, हिंदी आपका ऐच्छिक विषय है, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। और यहां से मैं 101% गारंटी देता हूं आपको इसी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर आप 10 सेट को कवर कर लेते हैं तो 10 सेट को कवर करने के बाद अगर आपके मन में ये रहता है कि मेरा हमसे कोई हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो आप बिल्कुल यह भ्रम को दूर कर दीजिए, क्योंकि यह 10 सेट में आपका वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर होता है और बोर्ड एग्जाम में बार बार, एक बार नहीं बार बार रिपीट किए गए हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन से देखने के लिए मिलेंगे। ये आपका गेस किया गया, ठीक है। बहुत सारा डिमांड्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे डिमांड्स कर रहे थे कि सर हिंदी की तैयारी अच्छी नहीं है, क्या किया जाए। तो उसके बेस पर उसी तरह से हम लोगों ने सजेशन लिया कि एक तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे चीज को सिलेक्ट किया जाए और सेट बाय सेट बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये आपका सेट 1 है, सभी सेट को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग प्लीज अपने बच्चों को, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो भी मतलब फ्रेंड्स हैं संपर्क में, उनको सेंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सेट जो काफी आपका गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, यानी आपका गेम पलट सकता है एक तरह से, हाई स्कोर जो सोचे हैं उनको एक तरह से पूरा कर सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, मगरे या फिर मांझे या फिर कटरा या फिर तेलघरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मांझे, यानी लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, मांझे था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैं गारंटी देता हूं ना, आप सिर्फ सेट को कवर कीजिए, उनके बाद हमको बोलिएगा कि सर क्वेश्चन जो है ना बाहर पूछा गया, कोई बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हमने देखा, गैस किया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को पलट के देखेंगे आप, बैंकों को देखेंगे, क्वेश्चन बैंक को, कोई फर्क कोई डिफरेंस नहीं होती है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह जो था वह किस पद पर था, जमादार के पद पर था। इसको भी हम लोगों ने पूरा तरह से पढ़ा है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन विद्वान का क्या है पर्यायवाची शब्द है। तो विद्वान का जो पर्यायवाची शब्द है वह सभी, ये तीनों के तीनों, सुधी हो गया, कोविद हो गया, धीर हो गया, ये तीनों के तीनों जो है क्या है विद्वान का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि कौन धूप का पर्यायवाची शब्द है। तो धूप का जो पर्यायवाची शब्द आपको जो दिया गया है, धूप का पर्यायवाची शब्द आतप भी होता, धाम भी होता और भा भी होता, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और हाँ मैं आपको लोगों को बता दूं, आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल और क्या कहता है ज्योग्राफी, हिंदी, ये सारा चीज का आपका 2009 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन को, क्वेश्चन बैंक को एक ही वीडियो में वन शॉट में आपको सॉल्व करके पूरा तरह से पढ़ा दिया गया है। और आप अगर नहीं देखें तो आप तनु क्लासेस सर्च करें या फिर चैनल के अंदर जाएं, आपको मिल जाएगा। तनु क्लासेस सर्च करेंगे क्वेश्चन बैंक 2009 से 21, तो आपको सबसे पहले ऊपर में सजेशन करेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आप गारंटी रखिए आप क्या तैयारी की है नहीं करी है वो मैं नहीं जानता हूं, या फिर वो तैयारी को भूल ही जाइए एक तरह से। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं गारंटी देता हूं आप अच्छे मार्क्स से, अच्छे अंक से, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन परीक्षा में कर सकते हैं, ठीक है, ये गारंटी रखिए, ठीक है। क्योंकि दुनिया जो है उम्मीद पर टिकी है, आपको उम्मीद रखना होगा, आपको उम्मीद रखना होगा। अगर आप उम्मीद होपलेस हो जाते हैं, अगर ना उम्मीद हो जाते हैं एग्जाम होने से पहले, तो ये फिर एक तरह से कायरता की पहचान है, ठीक है। और कायरता की पहचान उन इंसानों में पाई जाती है जो इंसान एक तरह से जो बोलते हैं ना, उनके लिए कुछ भी वर्ड बोल के चल जाते हैं कोई इंसान, ठीक है, यानी उनके लिए जो भी वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि जायसी ने रत्न सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा। तो उन्होंने बताया था आपको पूरा तरह से कहानी में पढ़ाया गया, अपने आंसुओं के द्वारा, किसके द्वारा, अपने आंसुओं के द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा गया कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जायसी किस तरह के कवि हैं। तो जायसी जो है वह एक प्रकार के कैसा कवि है, सूफी कवि थे, एक प्रकार के कौन से कवि थे, सूफी कवि थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कौन जल का पर्यायवाची शब्द है। तो जल का पर्यायवाची शब्द नीर भी होता है, तोय भी होता है, वरी भी होता है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जायसी का जन्म स्थान क्या है। हम लोग तो जानते हैं कि यूपी के अंतर्गत उन्होंने पैदा लिया, उनकी पैदाइश यूपी में हुई, तो उनका जो जन्म स्थान है वह इलाहाबाद, अमेठी है, अमेठी, कहाँ, अमेठी में उन्होंने पैदा लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, काफी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टाइम नहीं लिया जाएगा आपका। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया, उसने कहा था जो कहानी आपका स्टोरी है उसमें किस शहर का चित्रण किया गया, तो उसमें जो किया गया था वो अमृतसर का, किसका, अमृतसर
गोविंद सर का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो किनके गोद में? वजीरा सिंह के गोद में। किनके गोद में? वजीरा सिंह के गोद में। अब नेक्स्ट देखिए, पलटन का विदूषक, पलटन का विदूषक कौन था? ठीक है, हजारा सिंह या फिर मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या फिर कुलदीप सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वजीरा सिंह। क्या हो जाएंगे? वजीरा सिंह, ठीक है। जो जो साइंस के स्टूडेंट है वो तनु क्लासेस सर्च करेंगे, तनु क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, पूरी तरह से आपको आप लोगों की वहां जोर शोर से तैयारी की जा रही है, ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का नहीं, तो यहाँ जो आपका जायसी है ना, ये आपका अष्टछाप का नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों जो कवि हैं वो अष्टछाप के हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निर्खति नंद रामिया में कौन सा अलंकार है? देखिए आपका एक तरह से ये लाइन दिया गया है आपको कविता से उठा करके, तो यहाँ जो कौन सा अलंकार पाए जाएंगे, तो अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, पूछे जा चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस कवि, किस काल के कवि हैं? तो हम लोग जानते हैं कि सूरदास जो कौन से काल के कवि हैं, वो भक्ति काल के। कौन सा काल के? भक्ति काल के। अब देखिए कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, कौन सी जो रचना है जो सूरदास द्वारा नहीं रचे गए? सतई, ये सतई जो रचना है ये सूरदास की नहीं है, बाकी सुरसागर, साहित्य लहड़ी या फिर सुरसावली, ये तीनों जो रचना है वो सूरदास की है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन पूछा गया कि जिसे जीवन से विराग हो गया हो, ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। देखिए 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वितरागी, यानी जिसे जीवन से विराग हो गया उसको क्या बोलेंगे? वितरागी बोलेंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जिसकी आशय महान हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी आशय महान हो उसको महाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? महाशय कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? लेनिन की बात की जाती है तो उनकी मृत्यु जो हुई थी 1924 को, कब? 1924 में, यानी 1924 आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो वो मार्क्सवादी जो बने थे वो बने थे 1924 को, कब? 1924 को, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है, ये फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है, 10th क्लास में भी आप मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, मैट्रिक का एग्जाम में भी ये मतलब पूछे जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में, ठीक है। तो इसका जो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मैला आंचल। ये जो पुस्तक है किसका पुस्तक है? फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 22 काफी सिंपल क्वेश्चन है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 की बात की जा रही है अभी की नहीं, तो 1974 में जो वो थे अब्दुल गफ्फार। कौन थे? अब्दुल गफ्फार बिहार के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किसके रूप में दिया था? तुलसीदास ने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया था, जो परिचय दिया था, तो वो सीता के दास के रूप में दिया था। किसके रूप में? सीता के दास के रूप में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 24 आपका स्क्रीन पर, जिसने यश प्राप्त कर लिया है उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द में, जिसने यश प्राप्त कर लिया 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको जो बोला जाता है ना उसको बोलते हैं यशस्वी। क्या बोलते हैं उसको? यशस्वी। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो बहुत बोलता है, बोलते हैं ना कि बहुत बोलता है, तो उसको क्या बोलेंगे? हद से ज्यादा, फाजिल, मतलब एक तरह से ज्यादा बोलने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं वाचाल। बहुत बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया, क्वेश्चन काफी सिंपल है और मैं बता दिया हूं हर एक वीडियो में बोलता हूं, जो मिस्टेक हुआ क्वेश्चन तो क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए कंबटुक, सॉरी कबटुंग, कबटुंग अंब अवसर पाई में अंब संबोधन किसके लिए? यहां अंब आपको दिख रहा, तो ये जो अंब है ये किसके लिए यूज किया गया है? तो आपको बताना, तो ये सीता के लिए, यानी अंब जो है सीता के लिए संबोधन के रूप में, उनका टाइटल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। 24 27, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तुलसीदास के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है, तो कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? ये सूरदास, ये सूरदास जो है वो तुलसीदास के मित्र नहीं थे, ये मतलब इनसे इनको इनसे कोई मतलब इनका संबंध नहीं था, बाकी ये तीनों के तीनों जो आपस में फ्रेंड्स थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 28 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कमेंट करते हैं तो बिल्कुल आप लोग का जो कमेंट आ रहा बिल्कुल सही आ रहा, किसी का कमेंट जो है गलत नहीं आ रहा, गलत नहीं भी आने चाहिए, अभी आपके पास टाइम बहुत कम है और अच्छी तरह से आप लोग प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है। एग्जाम में जो प्रदर्शन करेंगे ना आप लोग, 100% आप लोग का मैं कमेंट देखता हूं, तो आप जो कमेंट करते हैं आप लोग बिल्कुल आप लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। और इसी टाइम में ये उम्मीद था हमको कि आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर हो पाए हैं, ठीक है, और लगता है कमेंट
कमेंट से हमको कमेंट देख करके कि आप लोग 100% जो है जो मार्क्स लाएंगे, एक तरह से 100% जो एक तरह से प्योर प्रदर्शन होता है, यानी अच्छा जो रिजल्ट होता है, बेस्ट जो रिजल्ट होता है वो ला कर करेंगे, ठीक है। इस बात में कोई संदेह की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, बचपन में लहना सिंह लड़की के बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था, लड़की से बार बार कौन सा सवाल करता था, कौन सा क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। तो ये जो पूछते थे बार बार, वो पूछते थे क्या तेरी कुर्माई हो गई, यानी तेरी शादी हो गई, तेरी कुर्माई होगी, तेरी शादी हो गई, या फिर तेरा एक तरह से रिलेशनशिप हो गया, या फिर तो एक तरह से विवाह हो गया, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 29, जल्दी, यहाँ क्या करना है, जल्दी हम लोग बोलते हैं जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो अब जल्दी आओ का ये जल्दी जो लिखते हैं ना हिंदी में, तो उसका सही कैसे लिखेंगे, जल्दी जो लिखते हैं JALDI, उसको आप हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ जो सही फॉर्म लिखा गया है वो लिखा गया जल्दी, यानी जौ आधा लौ दीर्घ इकार, ठीक है, ये जल्दी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन में कितना पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है, कितने आदमी को छोड़कर जाने के लिए कहता है, टोटल 10, कितने 10 आदमी को, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। आंखों के सामने के लिए शब्द, जो आंखों के सामने है उनके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका है। आंखों के सामने के लिए एक शब्द यूज कीजिए आप, तो आंखों के सामने जो रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, जो स्त्री अभिनय करती है उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल अभिनेत्री बोलते हैं, जो हीरोइन बोलते हैं ना इसको अभिनेत्री, यानी एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस, क्या बोलते हैं उनको, एक्ट्रेस बोलते हैं। तो अभिनय करने वाले को क्या बोलेंगे, अभिनेत्री बोलेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, विश्व का उपासक कहलाता है, ये भी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, विश्व का उपासक कहलाता है, ठीक है, शिवम शैव या फिर शिवत्व या फिर शंकर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा शिव, शैव क्या कहते हैं उसको, शैव कहते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका फर्स्ट सेट है ना, मैं बार बार दोहरा हूँ, फर्स्ट सेट है आपका, आपका अगला सेट आएगा तो अपडेट रहेंगे, ठीक है। अपडेट रहने का मतलब ये कि जैसे आएगा वो सेट को कवर करना है, क्योंकि ये गेस किया गया है, आपका 100% चांस है यहाँ से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन से देखने के लिए मिलेंगे, यकीन नहीं होता तो फिर बाद में आप एग्जाम दे करके आके देख सकते हैं, ठीक है। उस टाइम तो देखता नहीं है, लेकिन एक तरह से जो मैं गेस किया हूँ, यानी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन से बार बार रिपीट किए जाते हैं। अब जो अगर किए होंगे 2009 से लेकर 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो हिस्ट्री के किए होंगे, ज्योग्राफी भी आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल और हिंदी का आपको करा दिया गया है, जो नहीं किए हैं कर लेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि 2009 में जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन को 2010 में पूछा गया, वही क्वेश्चन को 2011 में 2016 में रिपीट, यानी बार बार रिपीट किया जाता है। तो बोर्ड एग्जाम के पास, यानी बोर्ड वालों के पास कहीं दूसरे बाहर से क्वेश्चन नहीं होता, जो आप पढ़े हैं वही पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 33 34, कौन सी रचना तुलसीदास की है, कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है, तो यहाँ जो विनय पत्रिका है ना ये तुलसीदास द्वारा रचा गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 35, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, यानी नारियों को जो अधिकार दिया, यानी एक तरह से हक जो दिया, जो एक तरह से अधिकार बनता है उनका, तो वो जो राइट प्रोवाइड किए थे, राइट जो भी मतलब अधिकार दिए थे, राइट जो प्रोवाइड किए थे स्त्रियों को, वुमेन को, तो वो कौन सा दिए थे, तो वो जो दिए थे ना वो भिक्षुणी होने का, क्या करने का, भिक्षुणी होने का अधिकार दिए थे, कौन, बुद्ध और महावीर, ये अधिकार किसने दिया, बुद्ध और महावीर ने किनको दिया, स्त्री को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 36, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है, ये जो कथन है ये कृष्ण की कथा, कौन ये बात कहें, तो ये जो इसका ये जो कथन है ये पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तो वो राक्षस हो जाती है, यह किसका कथन है, तो बिल्कुल 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रेमचंद, क्या हो जाएगा, प्रेमचंद, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, अर्धनारीश्वर किसका विद्या है से संबंधित, तो ये जो संबंधी है ये एकांकी, ये क्या है, एकांकी है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 38, युधिष्ठिर, अब युधिष्ठिर लिखने का सही तरीका क्या है व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामेटिकली, अब देखिए इसको लिखने का जो सही तरीका है वो क्या है, तो आपका जो ये लिखा गया है युधिष्ठिर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, युधिष्ठिर लिखने का जो तरीका है यही आपका युधिष्ठिर है, बाकी आपका रॉन्ग है तीनों के तीनों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, अध्ययन जो हम लोग करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको लिखने का कैसे बेस्ट तरीका है व्याकरण की दृष्टि से वो आप बताइए, तो यहां जो है ना ये अध्ययन, ठीक है, ये ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 40 में पूछा गया कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, नारीत्व की साधना की थी अपने जीवन के अंतिम दिनों में, तो वो महात्मा गांधी जी ने, कौन ने, एम गांधी जी ने की थी, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सर के कवित्व को सुनकर कभी सभी क्या करते हैं, सर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं जी बताइए, तो वो जो होते हैं सभी क्या करते हैं, सिर हिलाते हैं, क्या करते हैं, सभी सिर हिलाते हैं, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 42, कर्ता कारक का चिन्ह बताइए, कर्ता कारक का आपको चिन्ह बताया गया, ठीक है, कर्ता कर्म करण संपर्दन आपादन संबंध अधिकरण संबोधन, ठीक है, ये पूरा तरह से आपको पढ़ाया ग्रामर की दृष्टि से, तो ये शून्य ने, यानी शून्य ने, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए
43 कर्म का आपको चिन्ह पूछा गया, कर्म, तो ये जो कर्म का चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य को, शून्य को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कर्ण का आपको चिन्ह पूछा गया, सारा मतलब व्याकरण से रिलेटेड है, पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्ण का जो ये हो जाता है चिन्ह, से या द्वारा, ऑप्शन आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 45 संप्रदान कारक का चिन्ह बताइए, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, जिस मैंने अभी बोला, ठीक है। तो ये जो है को के लिए ये क्या है, संप्रदान कारक का एक चिन्ह है। नेक्स्ट देखिए 46 सर कवित्त सुनी कौन कवि मैं कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा अनुप्रास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कबीर किस में भेद नहीं करते हैं, किस में, अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गारे गोरे काले में, या फिर हिंदू मुस्लिम में। तो वो जो भेद नहीं करते हैं ना, वो किस में नहीं करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते, ठीक है। ये गलत बात है, हिंदू मुस्लिम में वो भेदभाव नहीं करते, ठीक है। कौन, कबीर, यानी 47 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ आपको खाली जगह छोड़ा है, ब्लैंक्स चीनी सैनिक भाग खड़े हुए, यानी आपको यह एक तरह से खाली जगह छोड़ा है, रिक्त स्थान छोड़ा है, रिक्त स्थान। तो आप भरिए रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा डरपोक, यानी डरपोक चीनी सैनिक भाग खड़े हुए, यानी भागते भागते खड़े हुए, एक तरह से सेना ये बोली जाती है, यानी जब एक तरह से झड़प होता है बॉर्डर में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। बहुत सारे सैनिक भाग भी जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, किम जोंग उन ब्लैंक्स का शासक है, सब कोई जानता है कि वो एक तानाशाह सरकार है, तानाशाह शासक, किसी को बात में उसकी बात को नहीं सुनता, वो क्या है, तानाशाह है। अब नेक्स्ट देखिए उत्तर कोरिया का, ठीक है। अब देखिए 50 क्या पूछा गया कि नवादास में जाति पाति एक एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कविता के छप्पे में किया गया है, ठीक है। तो ये जो किया गया है ना, ये कबीर में, किसने, कबीर में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। 51 मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, मालती के जो पति थे, जो हस्बैंड थे, वो कौन सा डिजीज, तो कौन सा बीमारी थे, वो ऑपरेशन करके आए थे, तो गैंग्रीन, कौन सा, गैंग्रीन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 सतुति का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, सतुति का जो विलोम हो जाएगा, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा निंदा, क्या हो जाएगा, निंदा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 53 संध्या का आपको विलोम पूछा गया, संध्या का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रातः, संध्या का मतलब शाम होता है, ठीक है, और प्रातः मतलब सुबह होता है, ठीक है। एक तरह से ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही जल्द हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। ये कभी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2022 में आप एग्जाम देने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आप अपने टाइम को कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर इधर उधर आपको नया चीज कुछ नहीं पढ़नी है, और जो आपके पास नोट्स है ना उसी को आप पढ़िए, और जो भी आपको प्रोवाइड की जाती है, कोई जरूरी नहीं कि इस चैनल से आप पढ़ेंगे, या इससे भी अगर बेटर मिलता है, इससे बेटर वो कौन दे सकता है, इससे बेटर जो क्वेश्चन होते हैं वो सारा चीज आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन से मिलते हैं लेकिन पढ़िए, हाँ, नया चीज के पीछे नहीं भागना है, और अपने जो पढ़े हैं उनको रिविजन करना है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी भी आकर के अपना सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे हुए रहते हैं, हालांकि उनको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि आप एक महीना पहले क्या पढ़े, क्या आपको प्रॉपर याद है, हाँ याद है कि हम ये टॉपिक पढ़े हैं, थोड़ा बहुत याद है, लेकिन प्रॉपर याद है, प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत लिखने से तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बहुत लिखने से आपको फुल मार्क्स तो नहीं मिलेगा, तो आपको प्रॉपर याद करना पड़ेगा, तो वो आपको रिवाइजिंग करना बहुत जरूरी है। तो आप बताइए यहाँ 54 में पूछा गया कि मालती के पति का नाम क्या था, तो इसका जो करेक्ट आंसर 54 का हो जाएगा आपका महेश्वर, क्या था, महेश्वर। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 परीक्षा का लिंग निर्धारण कीजिए, ठीक है, परीक्षा हो रहा है या फिर परीक्षा हो रही है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 55 का। देखिए जी का आपको क्या क्या है, जी दही, जी घी, मोती, पानी, ये सब क्या होता है, मतलब ये होता है पुल्लिंग, होता क्या होता है पुल्लिंग, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया, कौन सा मतलब से सम्मानित किया गया, कौन सा पुरस्कार देकर के, तो वो जो पुरस्कार दिए गए थे वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रोवाइड किए गए थे किनको, अज्ञेय जी को। अब देखिए 58 काफी सिंपल है, पूछा गया है कि अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, तो वो जो घर में जो पत्रिका का नाम था वो था आनंद बंधु, क्या था, आनंद बंधु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको मैत्रेय का को क्या पूछा गया, संधि विच्छेद पूछा गया, इनको तोड़िए उनके पास जोड़िए, ठीक है, तो इनको जो एक तरह से संधि विच्छेद हो जाएगा, इसका हो जाएगा मत जोर एक बराबर मैत्रेय, ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर याद कर रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि पवन का आपको संधि विच्छेद पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं संधि विच्छेद, तो आपको 5 अंक के 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो संधि विच्छेद का जो मतलब पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो वो होगा पोज और अन बावर पवन, पोज और अन इज इक्वल टू पवन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए भूषण ने
भूषण ने समुद्रगिनी से किसकी तुलना की? तो वो जो तुलना की थी ना, किनके साथ कंपेरिजन किया था? शिवाजी की। इनकी शिवाजी की। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी 61 नंबर क्वेश्चन का। 62, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस। 63, जगन्नाथ का आपको संधि विच्छेद करने के लिए पूछ, जगत जोरनाथ ये काफी फेमस है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आपके आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको जगन्नाथ का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है? मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक में देखा भी, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर जगत जोरनाथ बराबर जगन्नाथ। अब नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया कि ज्येष्ठ, अब देखिए ज्येष्ठ, अब देखिए जो है ना सही जो प्रॉपर मतलब जो लिखा गया है ग्रामेटिकली व्याकरण की दृष्टि से जो वर्ड है जो प्रॉपर एकदम प्योर है शुद्ध है तो ये हो जाएंगे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अधिवेशन, अधिवेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? अधिवेशन एक तरह से इंदिरा गांधी बहुत सारे अधिवेशन पास किए गए, आप पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस में अधिवेशन फेमस है, ठीक है? तो अधिवेशन को जो लिखने का तरीका है यानी ग्रामेटिकली हो जाएंगे अधिवेशन, अधि हर्ष इकार वे एकार शौन अधिवेशन, ठीक है? यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 65 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन 66, पुण्य, अब देखिए पुण्य कमाओ या फिर पाप कमाओ, ठीक है? तो पुण्य का आपको क्या करना है, उसका जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट हो जाएगा 66 का वो जाएगा आपका पुण्य, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 67, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? अभिव्यंजना किस रस की? तो उसमें जो हुई है ना वो हुई है रौंद्र रस की। किसकी? रौंद्र रस की। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 67 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्या पूछा गया कि प्रलय भानु तम तोम में कौन अलंकार है? प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? तो यहां जो अलंकार होते हैं ना रूपक अलंकार, कौन सा? रूपक अलंकार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी विधियों में शामिल हुए? किस उम्र में, एज क्या थी उनकी? तो वो जो शामिल हुए थे ना उनकी एज थी मात्र 12 साल। कितना? 12 साल की उम्र में ही उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया था, अपने मतलब अपने आप को पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था क्रांतिकारी गतिविधियों में, एक्टिविटीज में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, अठकोना में कौन सा समास है? समास पूछे जाते हैं, उपसर्ग पूछे जाते हैं, पर्यत पूछे जाते हैं, समास तो पूछना छोड़ता ही नहीं है। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएंगे वो द्विगु, यानी अठकोना में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अब देखिए नव युवक में समास बताइए, नव युवक, नया युवक, तो यहां जो समास हो जाएगा वो क्या होगा? तो यहां जो समास हो जाएगा कर्मधारय समास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कर्मधारय समास बन जाएगा। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? कब हुआ? तो ये जो साल था वो कौन सा साल चल रहा था? 1921। कब? 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? किस पार्टी की ओर? तो वो जो पार्टी का नाम था वो था गदर पार्टी। कौन सा पार्टी? गदर पार्टी की ओर 1914 ईस्वी में भगत सिंह आकर्षित हुए। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 74 में पूछा गया कि अंगूठी का निर्णय लिंग निर्णय कीजिए, अंगूठी का लिंग आप निर्णय कीजिए। तो इसका जो लिंग होता है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग। क्या होता है? ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 75, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा नहीं गया है? तो यहाँ जो रचना हो जाएगी सुरसागर। सुरसागर जो है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है। अहीं का आपको पर्यायवाची शब्द नहीं है, अहीं का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ जो अहीं का पर्यायवाची सिंदूर ये नहीं होते, बाकी उड़क श्री श्री पवनवा पवनास ये तीनों के तीनों जो है अहीं का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 76 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 77, राधा का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है? तो राधा का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ नहीं है ये रमा नहीं होता, बाकी ये तीनों के तीनों जो है वह क्या है? राधा का पर्यायवाची शब्द है। 77 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 78, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? कौन सी रचना जो है यानी जो कंस्ट्रक्शन किए गए हैं जो रचे गए हैं जो जयशंकर प्रसाद की है? तो यहाँ जो रचना है कंकाल, ये क्या है? कंकाल जो रचना है वो शंकर प्रसाद की है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 79, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में जो लहना सिंह के थे वो कौन थे? भाई, मित्र, मामा या फिर चाचा? तो वो जो लहना सिंह के रहते थे अमृतसर में वो मामा रहते थे। कौन रहते थे? मामा रहते थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 79 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 80, कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब क्या हो जाता है? ये आपका क्या है? मुहावरा है। कच्चा चिट्ठा खोलना बोलते हैं क्या? आने दो सर को हम कच्चा चिट्ठा तुम्हारा खोलेंगे, आने दो मेरे पेरेंट्स को मेरे फादर को तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, मतलब राज खोलना, भंडाफोड़ करना किसी को, राज की गुप्त बातों को बाहर निकालना, ठीक है? ये हो जाएंगे भंडाफोड़ करना, यानी भंडाफोड़ करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 81,
काम तमाम करने का अर्थ क्या हो जाएगा? काम तमाम करने का जो मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, मार डालना। बोलते हैं ना कि आओ तुम तुम्हारा काम का तमाम कर देंगे, किसी को गुस्से में बोलते हैं कहीं अगर झगड़ा अगर या फिर लड़ाई मारो अगर होता है कि आज तुम्हारा तो काम तमाम कर डालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, यानी मार डालने की धमकी दी जा रही है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 82, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए कैसे भेजता है, किसे भेजता है? ठीक है, तो वो जो भेजते हैं ना वो किनको भेजते हैं? वजीरा सिंह को। कौन को? वजीरा सिंह को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 82 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 83, कमीज का लिंग आपको निर्णय करने के लिए कहा है। कमीज लिंग जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? तो ये जो लिंग है आपका स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 84, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? क्यों थक जाता है? चलते चलते मनुष्य का शरीर जो थक जाता है, क्यों थक जाता है? मन को चंचलता से, यानी मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन को चंचलता से मनुष्य का शरीर थक जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कितना हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कमायनी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 86, कृपा का विलोम बताइए। कृपा का जो विलोम हो जाएगा वो क्या होगा? तो कृपा का जो विलोम होता है वो कोप होता है। क्या होता है? कोप। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 87, करुण का विलोम आपको पूछा गया। करुण का जो विलोम होता है इनवर्स से जिसको बोलते हैं, तो वो जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है निष्ठुर, यानी करुण का विलोम क्या हो जाएगा? निष्ठुर। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन 88, सौजल जलपात में कौन सा अलंकार है? देखिए जितने भी सारे हम लोग कवर कर रहे हैं ये मैं 100% तो गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, चाहे आप पढ़े या नहीं पढ़े। ठीक है, वीडियो को छोड़ के जाएं या फिर वीडियो को नहीं कवर करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन अब मैं गैस किया हूँ तो ये गैस के लिए हिसाब से जो नहीं पढ़े हैं, जो सोचते हैं कि मेरी तैयारी हिंदी में कमज़ोर है और बेटर तैयारी होनी चाहिए, तो ये आप सेट को कवर करना जरूरी है। ये आपका फर्स्ट सेट है, इसी तरह से हम लोग 10 सेट लाएंगे। अगर आप ये फर्स्ट सेट को और ज़्यादा मतलब एक तरह से शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, तो हम लोगों को भी एक तरह से पढ़ाने में ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, यानी जिज्ञासा होंगी हम लोगों में एक तरह से, नहीं बच्चे को पढ़ाया जाए, मेहनती हैं। ठीक है, तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्या पूछा गया कि सौजल जलपात में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? तो यहाँ जो अलंकार पाया जाएगा वो पाया जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार पाया जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 89, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना जो है वो कौन सी है? ओ सदानीरा। ओ सदानीरा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, यानी एक्टिव होकर के वो आंदोलन में क्या किया, पार्टिसिपेट किया? कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वो आप बताइए वो कौन सा आंदोलन था? वो था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सहयोग आंदोलन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कौन चिड़िया का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन जो है चिड़िया का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निपुण। ये चिड़िया का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों की तीनों पंछी विहग और खग जो है वो क्या पर्याय चिड़िया का पर्यायवाची शब्द है। कौन? द्रव्य का पर्यायवाची शब्द। द्रव्य का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची है। तो यहां जो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। धन, देखिए द्रव्य अगर मैं इसमें जाएंगे ना, बैंक में जाते हैं तो हम लोग कैश बोलते हैं, सर हमको कैश दे दीजिए। बैंक के जो मैनेजर होते हैं उनको बोलते हैं सर हमको कैश निकालना है। अगर वहाँ हिंदी में बोला जाए तो हमको बोलेंगे कि सर हमको द्रव्य निकालना है। ठीक है, द्रव्य का मतलब धन भी होता, वित्त भी होता, संपदा भी होता। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 92 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 93 आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन काफी सिंपल है। पूछ रहा क्वेश्चन कि पुत्र वियोग कविता में कवियत्री ने अपने असामयिक मृत्यु मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? ठीक है, तो यहाँ जो 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनमोल रतन। क्या हो जाएगा? अनमोल रतन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 93 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 94, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? सुना सुना, जीवन में कुछ लग ही नहीं रहा, पूरा जीवन जो खाली है कोई नहीं है। ठीक है, तो 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुत्र के असमय निबंधन के कारण, सॉरी निधन के कारण। असमय यानी एक तरह से इमरजेंसी के रूप में, यानी अचानक उनके जो पुत्र थे बेटे थे उनका क्या हो गया, निधन हो गया, मौत हो गया, जिनके कारण सुभद्रा कुमारी को जीवन पूरा सुना सुना हो रहा है, सुना सुना लग रहा है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 95 आपका स्क्रीन पर, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? तो वो जो कहा था वो किनको कहा था? काफी सिंपल क्वेश्चन है, लहना सिंह को। किनको? लहना सिंह को। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 96 आपका स्क्रीन पर, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति कौन सा समास है? तो ये जो समास है ये अब यही भाव, कौन सा समास है? अब यही भाव समास है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन जो समास है वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है।
कौन सा समास, कर्मधारय समास है, 97 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लहना सिंह का सिर अपना गोद में लेकर कौन बैठा था, लहना सिंह का सिर जो है वो अपना गोद में लेकर जो बैठा था वो था वजीरा सिंह, कौन था वजीरा सिंह, ऑप्शन आपका बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है, यानी अपने आप को क्यों वो क्या कहते हैं असहाय कहती है, क्यों, तो वो जो है पुत्र वियोग के कारण, किसके कारण, पुत्र वियोग के कारण, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 100, कौन कोश का पर्यायवाची शब्द है, यानी खजाना, खंडार या फिर निधि या फिर उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो ऑप्शन डी, यानी कौन कोश का पर्यायवाची शब्द है, तीनों के तीनों जो है वो कोश का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप सभी क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से रीडिंग की होंगी, जो क्वेश्चन आपका मिस्टेक हुआ तो उसका आप स्क्रीन से लिए होंगे, क्योंकि ये जो 2022 में जो आपका एग्जाम है फरवरी में मात्र कुछ डेज बचे हुए हैं, तो कुछ डेज में आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर होनी है और जो भी इंपॉर्टेंस होते हैं उनको थोड़ा सा रिवाइजिंग करनी है। ये आपका मॉडल सेट 1 था, कमेंट करके बताइएगा कि मॉडल सेट 2 जल्दी लाया जाए या फिर नहीं लाया जाए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है और चैनल को एक तरह से अपने दोस्तों में भी, वीडियो को अपने दोस्तों में भी एक बार जमकर के शेयर करता हूँ और लाइक करता है, ठीक है। और मैं बता दूं, फिर मैं बोलता हूँ 2009 से 2021 तक हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट का आपको कवर करा दिया गया है। क्वेश्चन बैंक 2009 से 2021 तक तनु क्लासेस आप सर्च करेंगे, तनु क्लासेस 8 को क्वेश्चन बैंक 2009 से 21 कोई भी सब्जेक्ट का आपको वहाँ शो करेगा, या फिर चैनल के अंदर में आप जाकर के कवर कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके ही आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।